विचार करेंगे। So derivative of y is equal to
h. तो ये फर्दर आप और डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप y का ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x. जिससे हम सिंपलीफाई करके ये लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का. सो कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. जब आप कैलकुलेट करें तो ध्यान दें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन वन टाइम और डिफरेंशिएट करें. सो यहां डेल वाई बाय डेल एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव. इसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स का अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का इसको रिमेनिंग यानी एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट सो वैल्यू. इसी केस में आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसे हम सिंपलीफाई करेंगे. ये क्या है? इसे हमने कहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन क्योंकि ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एंड एक्स टू ये मिक्स है. यहां फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फैक्शन है टेन इन्वेस्टमेंट फैक्शन इस वजह से टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं. सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे करें? अब की बार हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट टू फैक्शन. सो फैक्शन कौन से टेक करेंगे? यहां ये वेरिएबल है परसेंट नहीं है क्योंकि हम फैक्शन को कौन से टेक करने जा रहे हैं. सो इसका डेरिवेटिव को टू फैक्शन फैक्शन इसका डेरिवेटिव and constant.